हेलो गाइस, दिस इज यूके गेमर। आज हमने ले लिया स्काइलर, और इस स्काइलर के बहुत फ़ायदे होने वाले हैं भाई साहब। चलो इनके फ़ायदे देखते हैं। पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं भाई साहब। ये बंदा एक साथ में 5 ग्लू बॉल को तोड़ सकता है, यानी ये क्रोनो का बाप होने वाला है, और बहुत ही प्यारा आ चुका है ये करेक्टर। तो इस करेक्टर की खासियत है, चलो हम आपको उसकी खासियत दिखाते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं, कुछ आपको भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम ग्लू बॉल ले लेते हैं सबसे पहले, और आपको दिखाते हैं कि ग्लू बॉल से हमको एचपी कैसे मिलती है भाई साहब। ग्लू बॉल से एचपी, अगर आपका ये करैक्टर 8 लेवल का होगा ना, तो भाई पक्का आप क्रोनो क्या भाई, कोई भी करैक्टर इसके सामने नहीं टिक पाएगा। आलोक भी शायद ना टिक पाए, इतना परफेक्ट है ये, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अपनी एचपी कवर कर लेता है। देखो एचपी कवर करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मेरे को डैमेज मिल चुका है, अब हम यहाँ पे ग्लू बॉल लगाएंगे। जैसे देखो, हमने जैसे ग्लू बॉल लगाया, हमारी एचपी बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, ऐसे हम दूसरा ग्लू बॉल लगाते हैं तो एचपी और ज़्यादा बढ़ेगी। तीसरा ग्लू बॉल लगाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी, और इसको अब हम तोड़ेंगे। ये जो इसका यही इसकी खासियत है, ये इस बटन को जैसे टैप किया, तीनों के तीनों ग्लू बॉल एक साथ में फट गए। इसको हम 4 ग्लू बॉल एक साथ में ख़त्म कर सकते हैं, हाँ ठीक और इसके बहुत ही प्यारा है ये भैया। ये करेक्टर आपको बहुत पसंद आएगा, इस करेक्टर को यूज़ कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और भाई ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और भाई एक बात और बताना मैं भूल गया था, अगर आप कस्टम खेलोगे ना, तो भाई इस करैक्टर को कोई हरा नहीं पाएगा कभी भी, क्योंकि भाई कस्टम में हम ग्लू बॉल यूज़ करते हैं, ग्लू बॉल से इसकी एचपी बढ़ जाएगी। थैंक यू, टेक केयर।